नमस्ते व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ 125 वाट का TM हीटर, जो काफ़ी लोगों ने कमेंट में बताया, रिक्वेस्ट भी किया। तो इसके पहले मैं 160 वाट का जो ट्रांसफार्मर था वो लेके आया था। जो भी देखना चाहते हो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भूल व त्रुटि होता है जो मेरा मेरे से छूट जाता है तो अपने कमेंट करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 125 वाट की पहली जो लगेगी कोर लगेगी, जो ट्रांसफार्मर की कोर होता है ना, वो लगेगी 3 नंबर की कोर। 125 वाट की ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है तो उसके लगेगी 3 नंबर की कोर, बॉबिन लगेगी 2 इंच की। तो ये 12 वोल्ट से 16 वोल्ट के अंदर काम करते हैं। तो मैं इसका 16 वोल्ट में बाइंडिंग किया हूँ, इसलिए जो 12 वोल्ट में भी काम करेगा, फिर आपका 16 वोल्ट में जो ट्रांसफार्मर के थ्रू DC होता है वो 16 वोल्ट में दे के, तो आपका साउंड को क्लियरिटी भी अच्छा होगा, ज़्यादा साउंड भी आएगा। तो प्राइमरी साइड में आपको लेना है 40+40 ट्रांस, जो बाइपिलर हो। बाइपिलर कैसे बताते हैं, ये दो एयर देख रहे हैं आप, ये दो एयर एक साथ लपेट लेना है, एक साथ बाइंडिंग करना है, इसको बाइपिलर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक रहता है इसके। बाइपिलर जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसका गेज है 16 नंबर गेज, जो आप देख सकते हैं वायर गेज 16 नंबर, जो इस तार की मोटाई है वो 16 नंबर होना चाहिए। सेकेंडरी साइड आपको लेना है कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स एंड 16 ओम्स। तो इसके अलावा आपको लेना है कॉमन 70 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, जो लाइन आउटपुट के लिए रहता है, जो यूनिट लगाने के रहता है। तो कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स 16 ओम्स के लिए बाइंडिंग कितना करना है, 0 ओम्स 0+74 टर्न्स 4 ओम्स के लिए लेना है, फिर लेना है 32 टर्न्स इसके प्लस, 74 टर्न्स प्लस 32 टर्न्स लेना है, फिर 44 टर्न्स लेना है। इसका गेज वायर गेज होना है 22 गेज, 22 नंबर का तार लेना है। फिर आपको जो कॉमन 100 वोल्ट की लेना है और लेना है 233 टर्न्स लेना है पहले, प्लस 100 टर्न्स, मतलब 100 वोल्ट के लिए लेना है पहले से आपको 333 टर्न्स, मतलब 333 टर्न्स लेना है 100 वोल्ट के लिए लेना है 17 वोल्ट के 233 टर्न्स, जो पहले आपने लेना है 233 टर्न्स प्लस 100 वोल्ट के लिए लेना है प्लस 100 टर्न्स लेना है 100 टर्न्स लेना है। इस वायर गेज का होगा आपका 25 का वायर गेज लेना है, 25 नंबर का तार लेना है। तो आपका समझ में आ जाएगा इस तरीके से लेना है। इसका जो डाटा की जो शॉर्टकट पिक्चर है वो ये तरीका है, 16 नंबर की तरफ 40 टर्न्स 40 टर्न्स, तो बाइपिलर वाइंडिंग, दूसरे तरफ सेकेंडरी में 100 वोल्ट के लिए 233 टर्न्स और 100 टर्न्स, फिर 74 टर्न्स 32 टर्न्स 44 टर्न्स, 74 32 44, 22 नंबर के तरफ 25 नंबर के, यही है। आज छोटे छोटे वीडियो में आपको देखना चाहते हो, और जो कोड नंबर नहीं जानते, बॉबिन नंबर नहीं जानते, वो पहले वीडियो में
जो 60 वाट का एम्पलीफायर आउटपुट ट्रांसफार्मर था उसमें जाके आप देख सकते हैं जो कोर क्या होता है, बॉबिन क्या होता है, बॉबिन का साइज़, कोर का साइज़ सब उसमें दिखा दियो। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया, ठीक है, नमस्ते।